Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. दोस्तों आप सभी का स्वागत है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला में, मतलब एशिया बिगेस्ट कैटल फेयर में। और मैं यहाँ का दिखा दूँ नज़ारा कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेला लगने जा रहा है, और इसे हरिया क्षेत्र के नाम से भी जाना जा रहा है। और ये 2 साल के बाद लग रहा है दोस्तों आप, और मैं ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो आने का यहाँ मेला में रास्ता है वो 4 तरह से है। आप आ सकते हैं सोनपुर जंक्शन पे, उतर सकते हैं वहाँ से 2 किलोमीटर है, और हाजीपुर से 5 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आप गांधी मैदान से अगर आना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोगों की रास्ता, जैसे कि मैं बता दूँ, वहाँ से सिर्फ 45 रुपया टिकट लगता है, और वहाँ से आप हाजीपुर उतरिएगा, हाजीपुर से यहाँ 10 रुपया लगता है, और मतलब आ जाइए। और दोस्तों ये 6 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाला है, बस लास्टली 1 महीना चलता है, और ये 2 साल के बाद आया है आप जानते ही हैं। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मैं पूरा मार्केट आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, मतलब पूरा मार्केट आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, और पूरा ही ज़्यादा अच्छा तरीका से जितना भी यहाँ मतलब गाय भैंस बिचाती होता है, जो भी चीज़ यहाँ बिचाता है, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका से दिखाने वाला हूँ। तब तक हमारे वीडियो पर बने रहिए और चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं गाइस। ये बता दो कि यहाँ बाइक स्टैंड का मतलब 20 रुपया लगता है, और यहाँ साइकिल स्टैंड है तो 10 रुपया लगता है, और कार स्टैंड के लिए 70 रुपया लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों देख लीजिए, आई लव हरिहर क्षेत्र मेला 2022। देखिए सोनपुर मेला का मतलब स्वागत किया गया है, ये तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, और ये थिएटर है दोस्तों, आप देख सकते हैं पायल एक नज़र थिएटर यहाँ आया हुआ है, और शाम को ये चलता है। यहाँ से जाने का रास्ता स्टार्ट होता है, और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि ये 2 साल के बाद आया है, और कुछ ही दिन शेष रहा है दोस्तों, बस ये 15 दिन रहने वाला है, और तो आप लोग आके घूम सकते हैं, और फ्रंट ऑफ व्यू का नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता दोस्तों, और आप लोगों को अच्छा अच्छा चीज़ दिखाना चाहता, जो फैक्ट चीज़ें हैं और जो आप लोगों देखना चाहते हैं, तो बहुत चीज़ दिखाना है ना भाई, तो समय थोड़ा लगेगी, और आप लोग मेरे वीडियो को बने रहिए। तब तक लिए मैं सब आप पूरा मार्केट एक्सप्लोर कराने वाला हूँ दोस्तों, और बहुत ही अच्छा तरीका से, तो देखिएगा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला, विश्व का सबसे बड़ा हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में हम आप लोगों का स्वागत है, और यहाँ से हम चल रहे हैं दोस्तों, दिखाते आपको। तो दोस्तों आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ का मार्केटिंग, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका से, देखिए सब चीज़ यहाँ मतलब सेल होता है, बिचाता हो जाता है। ये देखिए धागा कैसे बनता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और लीजिए सब चट्टी उट्टी मतलब चप्पल उप्पल बिकाऊ है, यहाँ सभी चीज़ बिकता है। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि राम जानकी मंदिर यहाँ बना हुआ है कुछ फिगर में, और दोस्तों ये खाने की सामान, इसमें सांस्कृतिक मंच है, जो ये बच्चों का खेल, जो मात्र 20 रुपये टिकट है, और यहाँ भी देख सकते हैं, और ये अच्छा मार्केटिंग लगा हुआ है, का भी टिकट 20 रुपये है जंपिंग का। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे की ओर चलते हैं, आपको दिखाना है पूरा मार्केट दिखाना है हमको, तो दोस्तों जल्दी करेंगे तभी तो दिखा पाएंगे ना आपको, तो चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये बिहार स्टेट रोड का कुछ ये नज़ारा, मतलब ये फिगर इतना सुंदर तरीका से बनाया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, एक लेडीज ये किसान की तरह बिहेवियर। और आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों मछली पालन के लिए ये सभी प्रकार से बनाया गया है कि कैसे बनाया जाता है, और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा पेंटिंग्स बनाए गए हैं, और यहाँ देख सकते हैं मूर्ति। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं हरिहर क्षेत्र मेला, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों भीड़, देख सकते हैं शोभा सम्राट थिएटर है और बहुत ही बड़ा मेला है। ये शाम को बहुत ही अच्छे प्रकार से लगता है, और इधर का व्यू से दिखाना चाहता था आप लोगों को, तो दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए अच्छा नज़ारा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिया थिएटर लैंस वंस का व्यवस्था मस्त प्रकार से किया गया है, और ये शाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा से दिखने वाला है। ये देखिए दूसरा थिएटर दोस्तों, गुलाब विकास थिएटर, और ये बहुत ही ज़्यादा मस्त यहाँ थिएटर लगा हुआ है सोनपुर मेला में, और आप लोग आ सकते हैं देखने के लिए बिल्कुल। तो ये दो साल के बाद लगा है दोस्तों, तो आप लोगों को आना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका से लगा हुआ है, और रात में तो नाइट में लमसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ का मार्केटिंग मैं दिखा देता हूँ गाइस, ये देखिए उन्हीं मार्केटिंग, यहाँ बहुत सारे कपड़े मतलब सेल हो जा रहे हैं, और ये मात्र 10 रुपये में ये सब सामान देख सकते हैं दोस्तों। ये सेल मार्केट मतलब बाजार मार्केट है, और इसमें बहुत सारे सामान बेचे जा रहे हैं, लेडीज जेंट्स टाइप्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ये सब आप देख सकते हैं मात्र 100 रुपये और 50 रुपये में ये सब आप ले सकते हैं, और ये देख लीजिए गाइस सेट जो है कप का 150-100 बस इसी रेंज में है गाइस। तो गाइस जो भी लीजिएगा यहाँ 10 रुपये पीस है, और मतलब कि मस्त ये आप देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं हार सेल जो 100 रुपया मात्र है, ये सब आपको मिल सकता है, और बहुत ही ज़्यादा मेला में अच्छे तरीके से लगा हुआ है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए मात्र 10 रुपये में सब चीज सामान मिल सकते हैं, और आगे चलते हैं। तो यहाँ भी मात्र 200 रुपये में और 150 रुपये में अच्छे अच्छे सैंडल और सब चप्पल मिल सकते हैं यहाँ सूज, और ये देख सकते हैं ब्लेजर कोट लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए, और ये देखिए फ्लावर्स, मतलब दिखाता रहूं दोस्तों तो टाइम पास होता रहेगा। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ का मिठाइयाँ देख सकते हैं चांद की तरह और बहुत ही मस्त। तो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ देखिए मतलब चिकन हांडी भी बनाया जाता है, और यहाँ आप लोग आके खा सकते हैं दोस्तों। लोगों को बता दूँ कि यहाँ बिना 4 घंटा देखे आप लोग नहीं जा सकते हैं, मतलब अच्छा से देखना है तो 4 घंटा यहाँ समय देना होगा, तभी अच्छा से देख पाइएगा। और जा रहे हैं हम झुलवा के पास, देखते हैं वहाँ कितना अच्छा से लगा हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों लड़का लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है बैठकर, और आगे चलते हैं हम लोग। मात्र इसका टिकट 50 रुपया है, और ये इंडिया थिएटर का टिकट मात्र इसका भी 85 रुपया है, और मस्त सब चल रहा है दोस्तों। 10 बजे से शाम 10 बजे तक चलता है। भाई जी ये क्या है? हलवा पूड़ी भैया। तो ये दोस्तों हलवा पूड़ी है, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में, तो आप लोग इसको आइए तो ज़रूर मतलब सीखिए। और यहाँ देखिए ये ब्रेक डांस जो इसका भी दाम 50 रुपया है, और ये बच्चों का खेल, तो इसका बच्चों का खेल मात्र 20 रुपये में। और आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को सब चीज़ें बता दे रहा हूँ, आप लोग आ सकते हैं। और ये ब्रेक डांस 50 रुपया मात्र, और ये नाव जो है इसका भी
मतलब 40 रुपया। तो दोस्तों आप लोगों को बता दिया कि यहाँ खेलने की मस्त जगह और सब चीज़ यहाँ उपलब्ध है, तो आप लोग आ सकते हैं बिल्कुल बिना पछतावे के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा मस्त यहाँ तरीका से मतलब सब चीज़ है। यहाँ बिहार पुलिस का जितने भी प्रकार के सामान व्यवस्था रखी गई हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों पछुआ हवा के समय आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये देखिए दोस्तों, वही चीज़ है दोस्तों, और यहाँ से हम लेके चलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ले चलते हैं घोड़ा मंडी में और वहाँ का घोड़ा दिखाते हैं। दिया जाता हूँ जहाँ सभी प्रकार के जानवर बेचाते हैं, और घोड़ा बकरी गाय भैंस जितने भी होते हैं, तो आप लोगों को वहाँ दिखाता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे नस्ल के घोड़े हैं, पंजाब नस्ल का घोड़ा है ये दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सब कौन सी नस्ल के हैं? ये दोस्तों सिंह है, सिंह नस्ल के हैं, और ये सब पंजाब नस्ल का। इनका दाम कितना है? 85,000 दाम है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये सभी का इसका 1.85 दाम है, मतलब 1,85,000 दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा यहाँ घोड़े, मतलब ठीक ठाक है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी प्रकार के घोड़े लगे हुए हैं। कौन? तो ये बलोत्रा नस्ल की दोस्तों घोड़े हैं, और ये इनका दाम कितना है? तो इनका दाम 65,000 है। तो आगे चलते हैं, मतलब ये देख लीजिए दोस्तों, ये अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े हैं यहाँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये अच्छे प्रकार के नस्ल के घोड़े हैं, और देख सकते हैं इनका मालिक नहीं है जो बताने वाले हैं, नहीं बता पाएंगे। आपको बता दो कि इस मार्केट से हाथी अलाउ, मतलब हाथी बेचाना बंद हो गया है, इसलिए हाथी नहीं आ पाया है दोस्तों इस साल के। तो आगे चलते हैं, और बकरी गाय जितने भी भैंस हैं उस सबकी नस्ल दिखाते हैं आपको। ये गाय, ये कौन सी नस्ल के हैं? इनका मालिक नहीं है, और मतलब कि जर्सी गाय लग रही है हमको उम्मीद से, और इसका नस्ल अच्छा ही होगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और इनका नस्ल अच्छी नस्ल के हैं बकरी सब, तो आप बता दीजिए। अरे तोता पार, ये जमुना पार, ये तो ये दोस्तों ये सभी प्रकार के इसमें नस्ले मतलब हैं, जमुना पारी मतलब सभी, आप देख सकते हैं दोस्तों। मतलब कितना रेंज में आ जाएगा ये सब, मतलब कितना दाम है ये सब का? 650 रुपये किलो। किलो में बिछाता है? किलो में बिछाता है यहाँ, मतलब एक बकरी जैसे ये कितने का होगा? अच्छा, मतलब किलो के हिसाब से यहाँ बिछाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार के नस्ल के हैं? ये नागौड़ी नस्ल का है। नागौड़ी, ये दाम इसका 550 रुपये किलो। तो दोस्तों ये 550 रुपये किलो है, नागौड़ी नस्ल का है, और आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कौन सी नस्ल के है? ये कौन सी नस्ल की है? हैं? तो ये दोस्तों कश्मीरी नस्ल का मतलब है, और ये देख लीजिए इसका दाम, तो ये 500 रुपये किलो अप्रोक्स आ जाएगा आप लोगों को, और वहाँ से 600-500 बस इतना ही तक आ जाएगा, और आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। ये यहाँ स्कूटी रखा गया है, मतलब चॉइस का,
और देख सकते हैं 1,06,991 रुपया और इसका दाम 1,06,991 रुपया और मतलब सभी का दाम अप्रॉक्स 1,00,000 है, 77,000 इसका। तो चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों सोनालिका का ट्रैक्टर, मतलब यहाँ बहुत ही मस्त, और इसका दाम अप्रॉक्स, इसका दाम कितना है? 7,00,000। तो दोस्तों इसका 7,50,000 दाम है, और ये छोटा वाला का 370, ये 370 दाम है, मतलब 3,70,000। और देख सकते हैं मतलब अच्छा, ये डिज्नी लाइट आप देखेंगे सोनपुर मेला का। और मतलब कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पूरा मतलब एक ही वीडियो में आप लोगों को सब घुमा चुका, मतलब सभी मार्केटिंग आपको एक्सप्लोर करा चुका, मतलब सब दिखा दिए। और आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। तो आप लोग देख लीजिए वहाँ बिहार लिखा हुआ है, लव बिहार। तो यह सोनपुर का मेला आप लोगों को मस्त दिखा दिया दोस्तों। चलते हैं, बाय बाय गाइस।